हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री MCQ विद डिटेल पार्ट 9। ओके, लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। अब चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी कपूरथला, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी पटियाला। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन सी लाहौर। लाहौर जो थी रणजीत सिंह की यह राजनीतिक राजधानी थी। और इनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। जैसा कि पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में, ऑप्शन बी दिया हुआ है अंग्रेज व डच के बीच में, ऑप्शन सी दिया हुआ है अंग्रेज व मराठाओं के बीच में, ऑप्शन डी हैदर अली व मराठाओं के बीच में। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन ए। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य भारतीय भूभाग पर अपने क्षेत्र विस्तार के लिए लड़ा गया। कर्नाटक में नवाब कौन, नवाब क्या थे, कर्नाटक के कौन थे, अनवरुद्दीन के खिलाफ चंद साहब ने संयंत्र रचा था। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों ने किसको, चंदा साहब। कर अंग्रेजों में नवाब अनवरुद्दीन का साथ दिया। इस युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन अंबुर के युद्ध में हार गया था। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, वेदों के पुनरुद्धान का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी इस करेक्ट है इसका, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद। सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, यह आर्य समाज के संस्थापक हैं। ने वेदों के पुनरुद्धान के लिए कार्य किया। इनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौट चलो। इनका प्रसिद्ध नारा क्या है, वेदों की ओर लौटो। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्राही कौन चुना गया। ऑप्शन ए
जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी विनोबा भावे। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन डी विनोबा भावे। महात्मा गांधी ने 1940 में कांग्रेस के आग्रह पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। विनोबा भावे इन्होंने 17 अक्टूबर 1940 पहले तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्ति सत्याग्रही थे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी ढाका में, ऑप्शन डी दिल्ली में। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन सी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान ढाका के नवाब तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ था। आगा खान जो थे नवाब थे ढाका के और मोहसिन उल मुल्क। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्न में कौन मध्यमार्गी नहीं था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी ओए हूम, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगा धर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दल के संबंधित थे। ये लोग लाल बाल व पाल के संयुक्त नाम से विख्यात थे। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी रफी अहमद किदवई, ऑप्शन सी एम ए अंसारी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष करने वाले बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर
एम ए अंसारी ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इन्होंने एम ए अंसारी ने 1927 में, और जो मौलाना अबुल आजाद थे उन्होंने 1923 के कांग्रेस अधिवेशन जो दिल्ली में था उनमें की थी। फिर 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। आजाद पहले कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कीप स्माइल, कीप हैप्पी।